एग्जाम्स एग्जाम्स और एग्जाम्स, परीक्षा एक ऐसा शब्द जिससे हम बचपन से डरते आए हैं। हमारे बड़ों ने हमें कहा कि लाइफ भी एक एग्जाम है, जिंदगी भी परीक्षा है। और जब हम बड़े हो गए, जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और जीवन का प्रैक्टिकल एग्जाम हमने देना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि वाकई में बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो परीक्षा कितनी बड़ी है। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के 5 उन तरीकों की जो आपके एग्जाम्स को शानदार बना सकते हैं, रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए मिलकर के बात करते हैं, कर दिखाने की कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड कीजिए। आप कहेंगे तो हमारे सामने ही है, हम 9th में, 10th में, 11th में, 12th में कोचिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे सामने लक्ष्य है। नहीं नहीं, लाइफ का लक्ष्य कुछ और है। लाइफ का लक्ष्य डिसाइड कीजिए, बड़ा गोल सामने लेकर आइए। जिस दिन वो बड़ा गोल सामने आ जाएगा, ये छोटे छोटे हर्डल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ये छोटी छोटी बाधाएं आप ऐसे ही पार कर जाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी मंजिल को डिसाइड कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। वो ट्रेन कहीं भी नहीं पहुंचती जिसे अपना स्टेशन मालूम नहीं होता, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी रह जाती है। वो प्लेन कहीं नहीं पहुंचता जिसे मालूम नहीं है कि कहां के लिए उड़ करके जाना है। इसीलिए एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि उस बड़े लक्ष्य के लिए पढ़ना है। जब आपके दिमाग में वो लक्ष्य होगा तो आप आराम से तैयारी करना शुरू करेंगे, आपको मजा आने लगेगा, उस पढ़ाई में मजा आने लगेगा। उस एग्जाम की कट ऑफ के लिए नहीं, बल्कि अपने उस बड़े लक्ष्य के लिए आपको तैयारी करनी होगी। फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भैया अब मैं बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाइए और दिन रात उसी के बारे में सोचना शुरू कीजिए, यहां तक कि सपने भी उसी के बारे में आने चाहिए। उसके बाद जब आप मेहनत करने में जुट जाते हैं उस टारगेट को पाने के लिए, तो सक्सेस आपको मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सक्सेस आपको हर बार मिलेगी, कई बार फेल भी होना पड़ेगा, कई बार फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर कभी गिर जाओ तो ये याद करना कि जब आपने चलना सीखा था बचपन में तो कितनी बार आप जमीन पर गिरे थे, कितनी बार आपको लगी थी। आपने साइकिल चलाना सीखा था तो कितनी बार आप गिरे थे। गिरना, उठना, लड़खड़ाना, ये सब जीवन का प्रोसेस है। इसलिए घबराना नहीं, वो बड़ा लक्ष्य दिमाग में रखोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। एक बार फिर से वही बात याद रखो कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को ना पा लो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको आज से ही करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। भैया आपको मालूम चल गया जाना कहाँ है, लेकिन उसके लिए तैयारी तो होनी चाहिए ना, रास्ता तो मालूम होना चाहिए, रूट तो बनना चाहिए, स्ट्रेटेजी तो बननी चाहिए। अब आप कहेंगे वही घिसा पिटा पुराना सा शब्द आप लेकर के आओगे, इसका नाम है टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है ये बचपन से हमने सुना है कि बना लो बेटा तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तो ये वाकई में बना लो, वाकई में कुछ हो जाएगा। जितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उन सब ने इसे ही फॉलो किया है। इनफैक्ट वो अब भी फॉलो कर रहे हैं, तभी वो टॉप पर बने हुए हैं, क्योंकि शिखर पर पहुंचना आसान होता है, बने रहना मुश्किल होता है। समझ रहे हो? तो लाइफ में जो टाइम टेबल है उसका नाटक वो 2-4 दिन के लिए मत करना कि आपने लगा लिया, उसको फॉलो करने लग गए, उसके बाद फिर से भूल गए। अगर आप वाकई में अनुशासन लाना चाहते हैं तो अपने अंदर से लेकर के आइए। आप जिस किसी महान इंसान की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको उसमें एक वर्ड सुनने को मिलेगा, उसका नाम है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जो शब्द है वो आता है टाइम टेबल से। चाहे वो हमारे इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हो, उन्होंने टाइम टेबल को फॉलो किया, चाहे वो कोई और पर्सनैलिटी हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टाइम टेबल बनाने तो इतना स्ट्रिक्ट बना लें कि बीच में रेस्ट ना मिले। बीच बीच में थोड़ा आप विश्राम करते रहिए, जो आपने पढ़ा इससे वो आपको याद रह जाता है अगर आप बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने का तरीका क्या है? आप गाना सुन सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं, नेचर के साथ टाइम बिता सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जीवन में विश्राम जो आप छोटा सा लेंगे, ये आपके जीवन में आपको अनुशासित रहने में मदद करेगा, डिसिप्लिन फॉलो करने में मदद करेगा। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन बना लेते हैं तो कभी फॉलो नहीं होता है। इसलिए बीच में स्पेस निकालिए कि आप गाना भी सुनेंगे, फैमिली के साथ भी रहेंगे, घूमने भी जाएंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ में जीवन जिएंगे। एक शब्द आपने सुना होगा, मन की शांति। और कहते हैं बड़े बुजुर्ग की मन की शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल है, कभी इधर भगता है, कभी उधर चलता है, कभी इधर चलता है। तो इधर चला उधर चला वाली सिचुएशन ना हो, उसके लिए आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। कई बार जब एग्जाम्स आते हैं तो हमारे सामने एक पहाड़ सा आ जाता है कि इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, 2 दिन में 8 चैप्टर निपटाने हैं, मैंने तो 10 पढ़ लिए, 15 बाकी हैं, ये हो गया, वो हो गया, लास्ट वाले पेजेस तो पढ़े ही नहीं, लास्ट वाले चैप्टर्स तो पढ़े ही नहीं, मेरे दोस्त ने तो इतना पढ़ लिया। ये सारा जो प्रेशर है इसको क्रिएट मत होने दीजिए।
इसीलिए कहते हैं कि हौले हौले अगर आप तैयारी करते चलते हैं तो लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है, लेकिन प्रेशर तो आएगा क्योंकि एग्जाम्स आपके सर पर आ चुकी हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने मन को शांत करना है, कामनेस लेकर के आनी है, उसके लिए मेडिटेशन करना है। 15 मिनट्स अगर आप अपने डेली रूटीन में से निकालते हैं और 15 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने आप एक मन की शांति मिलेगी। और रिसर्च कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक शांत मन जो होता है वो 4 गुना ज्यादा चीजों को याद रखता है और बेहतर करके दिखाता है। मन को शांत करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ध्यान लगा सकते हैं आप, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना कम कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम घटा सकते हैं, नींद थोड़ा ज्यादा लेना शुरू कर सकते हैं, योगा करना, एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। मन को शांत रखेंगे तो सही मंजिल और सफर जो है आपका वो बहुत आसान हो जाएगा, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कामनेस लाइफ में ऐड करना शुरू कीजिए। अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो आपको अपने दुश्मनों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट यही है कि लाइफ में आपके सामने परेशानियां तो आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे, दुश्मन तो खड़े होंगे। ये दुश्मन बदल चुके हैं, ये दुश्मन है आपके OTT, ये दुश्मन है आपका सोशल मीडिया जो एग्जाम के टाइम में आपसे कहता है कि अरे 10 मिनट आ जा, और 10 मिनट कब 2 घंटा बन जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए नंबर 4 पॉइंट है मेरे दोस्त, डिस्ट्रैक्शंस को भी डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कीजिए, उनको भी गायब करना शुरू कीजिए। स्मार्टफोन का जमाना है, सुबह जगते ही हम ब्रश करने से पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, तो ऐसे जमाने में जहां पेरेंट्स के सामने भी दिक्कत है कि बच्चों को मोबाइल दें या ना दें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी आपके काम की एप्लीकेशंस नहीं है एग्जाम टाइम में सारी की सारी अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट का जमाना है। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि फास्ट दौड़ने के लिए कौन सी चीज आपके काम की है, जो काम की नहीं है उसको हटा दीजिए, लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। आप तो ये मान के चलो कि आप एक ऐसे समंदर में कूद गए हो जहां दूर दूर तक कोई नाव नहीं है बचाने के लिए, तैर कर ही पार करना होगा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जब ये सामने सिचुएशन आएगी तो क्या करोगे, तैर के दिखाओगे? इसीलिए नंबर 5 बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 5th पॉइंट है, डू इट। यही आपका सबसे बड़ा वॉर क्राई है, करके दिखाओ, कर दिखाओ, जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, जो भी करना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए वो करके दिखाओ। उसके लिए आपको सीनियर से मदद लेनी है, टीचर से मदद लेनी है, अपने साथी स्टूडेंट से मदद लेनी है। पूछो, एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार पूछो, इतने अच्छे से पूछो कि आपको सही जवाब मिले, आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाए, और जब एग्जाम में आप बैठो, आपके सामने वो सवाल आए, तो आप उसका ठीक ठीक सही सही सटीक वाला जवाब दे करके आओ। अगर आप शर्माओगे कि मुझे तो इस सब्जेक्ट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, किससे पूछूंगा तो मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, कि इतना इजी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, इजी कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हो तो समझो, लेकिन करके दिखाओ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक दूसरे की मदद करो, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ, पढ़ाई की बातें करो, एग्जाम टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करो। पिछले जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने में अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करो, आपका जो है ये सफर, ये मंजिल एग्जाम्स तक पहुंचने की बहुत आसान हो जाएगी, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, बाकी मेहनत आपको खुद करके दिखानी है। इसलिए आपको गुड लक कह रहा हूं और साथ में याद दिला रहा हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।